जी मेरे साथ शोएब शहीन साहब मौजूद हैं। आज की समात का क्या अहवाल है, मुख्तसर जाने इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो केसेस हैं क्या इनकी कोई बुनियाद है? देखिए केसेस जो इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं वो तो बेसलेस हैं, ग्राउंडलेस हैं। साइफर का मुकदमा है ही कुछ नहीं। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको आपने कहा ये मुलजिम है। भाई जब कोई मुल्क में हमला हो, खुदा न खास्ता, खा वो फिजिकल हो, खा वो सलामती हो, खा वो खुद मुख्तारी पर अटैक हो, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उसको डिफेंड भी करे और अवाम को भी एतमाद मिले जो उसने किया। FIA का एक AD कहता है, राना सनाउल्लाह कहता है कि नहीं पर्चा कर दो तो पर्चा हो गया। तो भाई फिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्यों कहा कि ये मुदाखलत हुई है? तो मुदाखलत अगर कोई मुल्क करेगा तो क्या प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको डिफेंड करे? तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी नहीं है। और सर ओपन ट्रायल के हवाले से मुझे बताएं कि आज कहा जा रहा है कि काफी अच्छे रिमार्क्स थे। जी बिल्कुल, देखें ये बुनियादी हक है एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि अगर आप उसके खिलाफ को प्रोसीड करते हैं तो फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, अपॉर्चुनिटी या फेयर डिफेंस मिलना चाहिए। और उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको ओपन कोर्ट ट्रायल करें, वहाँ साफी भी आएँ, उनकी फैमिली भी आए, वकील भी आएँ, जिरा भी हो और कानून के मुताबिक हो। लेकिन इस तरीके से एक बंद कमरे में आप चार गवाह ले जाओ और उनसे गवाही कराओ, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना दो, वकीलों को वहाँ पहुँचने ना दो, कागज कलम ना ले जाने दो। मैं खुद गया हूँ खान साहब को मिलने, एक पेन तक नहीं ले जाने की इजाज़त है, एक कागज़ का एक टुकड़ा ले जाने की इजाज़त नहीं है, ना लेके जा सकते ना लेके आ सकते हैं। अगर खान साहब ने भी आपको कोई कागज़ दिया तो वो भी ले लेते हैं। तो अगर ये तर्ज अमल है आपके एक इदारों का तो ये नामुनासिब है और कोर्ट ने मुनासिब फैसला किया है कि 16 तारीख तक इसका ट्रायल रोक दिया। सर क्या समझते हैं कि इस क्या खान साहब के ऊपर जितने भी केसेज हैं क्या ये सियासी बुनियादों पर हैं? 100% सियासी बुनियादों पर हैं, इसलिए कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा थे तो उसकी कोई स्ट्रांग एविडेंस होनी चाहिए थी, कोई भी एविडेंस नहीं है। अब देखें तोशा खाना के 3 केस बनाए हुए हैं, एक वो जिसमें सजा दे दी एक मुतासिब जज ने, दूसरा नैब में कल उसने जो गिरफ्तारी डाल दी, तीसरा जो है वो एक FIR इस्लामाबाद पुलिस ने काटी हुई है। जबकि जो मुजरिम है, नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, यूसुफ जागिलानी है, मरियम नवाज है, जिन्होंने गाड़ियाँ ली कानून कायदे के बर खिलाफ जो कि नहीं ले सकते थे और जिन्होंने डिक्लेयर भी नहीं की, उन लोगों को किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है। एक रेफरेंस फाइल हुआ वापस हो गया, फिर रेफरेंस फाइल हुआ, अब फिर वापसी की तैयारियां हो रही हैं। उनके खिलाफ ना प्रोसीडिंग्स हैं, ना एविडेंस है, ना प्रोसिक्यूशन है, सब खामोश बैठे हुए हैं और वो सुपर स्पीड से इमरान खान के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। सर खान साहब ने एहतसाब का नारा लगाया और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि जेल ट्रायल दहशत गर्दों के होते हैं, क्या ये वाकई जेल ट्रायल दहशत गर्दों के होते हैं? तो फिर खान साहब के साथ खान साहब ने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसमें उनको फंसाया जा रहा है? देखें इमरान खान की खिलाफ क्या बात है, एक बात है कि वो हकीकी आज़ादी का लम्बरदार है, वो माफिया को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जो एलीट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ मुल्क का पैसा लेके मुल्क लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, वो चाहते हैं कि उनके रास्ते की रुकावट इमरान खान साइड पे हो जाए ताकि हमारे लिए लूट मार का आसान तरीन रास्ता मिल जाए, और ये वो हथकंडे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। रिसेंटली सर आपकी कोई मुलाकात हुई है खान साहब से? जी पिछले हफ्ते हुई है। क्या खान साहब का जज्बा था, क्या मोराल था खान साहब का? हाई स्पिरिट में है, उन्होंने मैसेज दिया है कि लोग घबराएं नहीं, बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं, लोग बाहर निकलें, लोग हक सच के लिए स्टैंड करें, और ये जो लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए, लंदन प्लान के ज़रिए जो कुछ ये किया जा रहा है सारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, करप्ट लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। हकीकी जो जमहूरियत है वो मुअत्तल हो चुकी है और हकीकी मानों में जो बुनियादी हकूक़ हैं प्रैक्टिकली वो मुअत्तल हो चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ और ये हरकतें मुल्क की जड़ी खोखली करने के मुतरादिफ हैं। सर वो MNAs जो पार्टी छोड़ चुके हैं जिनमें असद उमर साहब के ज़राए का कहना है कि रबते हो रहे हैं पार्टी में वापस आने के, जिस पर खान साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं, क्या ये सच है सर? देखिए मेरी बात नहीं हुई इस मौजू पर अभी, बहरहाल एक बात तो तय है कि पार्टी में बहुत लोग हैं माशाल्लाह, पार्टी करोड़ों की तादाद में लोग इनको पसंद करते हैं, 90% आज भी पॉपुलेशन इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, तो ये जो चाहें कर लें उसके इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म है, बर्बरियत है, ये सारी हरकतें इनके अपने गले पड़ेंगी, अपने गले पड़ेंगी। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन ये थे शोएब शहीन साहब, जो रिसेंटली जो अहवाल था समात का उस हवाले से, खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उस हवाले से अंदर की खबरें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।